मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर दो ढाई दिन के ट्रिप के आसपास। हम सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आए जस्ट टू हैव अ गुड व्यू एंड हैव सम गुड टाइम। अगर महसूस कर रहे हैं राहत कंपैरिजन में देखा है दिल्ली के तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो टॉक्सिक एयर है, जो पॉल्यूशन है और जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इवन हमने शायद आज सुबह आर्टिकल पढ़ा था किसी न्यूज़ साइट के ऊपर कि वो अभी तक का हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जो रिक्टर स्केल होता है टॉक्सिक जो नेचर बताता है किसी भी एयर का या फिर किसी भी चीज़ का, वो ऑल टाइम हाई चला, इतना हाई चले जाते हैं कभी कभी 1600, 1700, 1800, 1100, 1200, 1200 रहता है। जहाँ मैं रहता हूँ इवन ओखला के अंदर, जब जिस दिन दिवाली थी उसके अगले दिन जब ये परेली वगैरह जलती है और जो पॉल्यूशन होता है उसके बाद, मेरी एरिया के अंदर 1100 AQI था सुबह 4 बजे के आसपास। तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, जैसे कि जो लोग ओल्ड लोग हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप पहाड़ों पर घूमने आए हैं तो यहाँ आकर कितनी राहत महसूस करते हैं और कितना अच्छा लगता है खुले में यही सांस लेना? बहुत ज़्यादा, मतलब एक सबसे पहली बात तो हेल्दी है वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स के लिए। और जो एयर की क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली शिमला के अंदर या फिर किसी भी नॉर्थ इंडिया के माउंटेन एरिया के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जैसे अगर यहाँ पर AQI 100 है तो वहाँ पर 1000, 1100, 1200। यहाँ पे आके काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, पोल्यूशन का है मोहाली और चंडीगढ़ एरिया में थोड़ा सा कम पोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, और लेकिन यहाँ शिमला में वेदर बहुत बढ़िया, पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है कंपैरेटिवली मोहाली के, तो बहुत कम है यहाँ पे। और पराली की बात करें तो कुछ लोग तो अवेयर हो चुके हैं, अभी नहीं जला रहे, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो काफ़ी पराली जला रहे हैं और वो अपने लिए नुकसानदायक तो है, पोल्यूशन बहुत क्रिएट करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसके साथ साथ लोग जो पटाखे जला रहे हैं दिवाली पे पागलों की तरह 12-12, 1-1 बजे तक, वो भी लोगों को कम करना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे खुद का ही इन्वायरमेंट है जो ख़राब हो रहा है और इसी इन्वायरमेंट में हम लोग भी सांस ले रहे हैं, तो सभी को परेशानी है इस बात की। तो हमारे मोहाली का जो AQI है दैट इज़ अराउंड आई थिंक 180, और जो शिमला का AQI है अभी वो था 110, तो डिफरेंस काफ़ी है। और इतना पोल्यूशन का जो रीज़न है वो दो है, एक तो दिवाली और दूसरा जो है पैडी को बर्न किया लोगों ने दिवाली पे, बहुत सारे पटाखे चलाए। और मुझे लगता है कि ये सब लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत हो रहा है और लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। पर शिमला में आके थोड़ा डिफरेंस लगा और यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा है, तो अच्छा है शिमला में आकर, अच्छा लग रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा है, अभी हाल ही में बढ़ा है, आपको पता है इस टाइम पे पराली जलाते हैं जो एग्रीकल्चरल एरियाज होते हैं आसपास वाले जो राज्य हैं दिल्ली के NCR के, उसमें अधिकतर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और साथ में एक दिवाली वाला समय भी आया था आई थिंक, उससे भी वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ी है। वो वाला पोल्यूशन हिमाचल में तो कोई इशू नहीं क्रिएट कर रहा है ऐसा कुछ, हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारे सारे मेजर टाउन्स में ज़िलों में रेगुलर डेली अप टू डेट मॉनिटरिंग होती है और ये सारा ऑनलाइन भी डेटा पाया जा सकता है, और इसमें कुछ यहाँ पे कुछ गंभीर नहीं पाया गया है। हमारे अधिकतर यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है राज्य में गुड है, 90% केसेस में गुड है, और बाकी भी केसेस में मॉडरेट एंड बिलो ही है, कहीं पे भी पुअर या अन्य ऐसे जो गंभीर समस्या होती है ऐसे किसी भी टाउन में हमारी नहीं पाई गई है इस दिवाली वाले सीजन में भी और वर्तमान में भी। वर्तमान में अगर हम देखें सारे सेटिस्फैक्ट्री एंड बेटर है, तो अधिकतर केसेस में गुड है एयर क्वालिटी हिमाचल राज्य में, और जहाँ पे और एक लेवल वहाँ पे ऊपर वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री भी है एक जगह, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे तो एयर क्वालिटी का कोई इशू नहीं है अभी फ़िलहाल हिमाचल राज्य में। और इसमें हमें आने वाले समय में राज्य में जो नागरिक रहते हैं उन सभी से कोऑपरेशन चाहिए, सभी से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी रोज़ाना दिनचर्या में ऐसे कदम ज़रूर उठाएं कि पोल्यूशन एयर पोल्यूशन ना हो, जैसे कचड़े को ना जलाएं, पर्सनल गाड़ी का कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ऐसी कुछ चीज़ें हम करेंगे तो हमारी एयर क्वालिटी बरकरार रहेगी। हमने पिछले समय में ये मानसून वाले सीज़न में हमने और अन्य विभागों ने प्राइवेट संस्थाओं ने बहुत प्लांटेशन हिमाचल राज्य में की है, और हम यही चाहेंगे कि लोग निजी स्तर पर भी पौधारोपण करते रहें।